हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सवाल था, हाल ही में लॉन्च हुई माय लाइफ एज अ कॉमरेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस थे एम के स्टालिन, के शैलजा, एन बी रेन सिंह या फिर एन रंगास्वामी। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, के शैलजा। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। गोमतेश्वर की अखंड मूर्ति किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? सातवीं, आठवीं, नौवीं या फिर दसवीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, आठवीं। अगला सवाल, ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से, थर्मोन्यूक्लियर हथियार से, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी से या फिर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास से। सही जवाब है ऑप्शन बी, थर्मोन्यूक्लियर हथियार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु अप्रसार संधि का गैर हस्ताक्षर करता है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर भारत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट सवाल, वर्तमान सेना अध्यक्ष का क्या नाम है? मनोज पांडे, अजीत डोभाल, सुनील चौहान या फिर द्रौपदी मुर्मू। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनोज पांडे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी टीटीसी की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, ब्रुसेल्स, पेरिस या फिर बुडापेस्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न, समुद्र शक्ति 23 द्विपक्षीय अभ्यास किन देशों के बीच हो रहा है? भारत और बांग्लादेश, भारत और इंडोनेशिया, भारत और श्रीलंका या फिर भारत और मलेशिया। आंसर है ऑप्शन बी, भारत और इंडोनेशिया। अगला सवाल, एआर खलील किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या फिर हॉकी। जवाब है ऑप्शन बी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? ए, जन शक्ति एक सामूहिक शक्ति, बी, जन संवाद एक नई आशा, सी, मन की बात करे समस्या दूर या फिर डी, कला और भारत। सही जवाब है ऑप्शन ए, जन शक्ति एक सामूहिक शक्ति। अब अगला और अंतिम प्रश्न, भारत में यौन उत्पीड़न निवारण यानी पॉश अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2007, 2009, 2011 या फिर 2013। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2013।
चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 11 मई, बी 13 मई, सी 15 मई या फिर डी 17 मई। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।